जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता, राठौर फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और रिच होती है। तो आइए चलते हैं। सामग्री कुछ इस तरह से है। यहां मैंने 200 ग्राम पनीर को कट करके ले लिया है, 2 मीडियम प्याज, 8-10 काजू के टुकड़े और 2-3 हरी मिर्च को पीस कर लिया है, 2 टमाटर को पीस कर उसकी प्यूरी बना ली है, 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम ली है, 2 टेबलस्पून ताज़ा दही लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ऑयल यहाँ हमने 3 टेबलस्पून लिया है, मसाले में हमने 1 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, 8-10 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी ली है। सूखे मसाले में हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक लिया है। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ 1 कप दूध लिया है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है, तो पैन को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रहेगा। तेल हमारा गरम हो गया है। अब सभी खड़े मसालों को डालकर हम इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाले हमारे भुन गए हैं। अब यहाँ हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे चलाते हुए भुनेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ भी स्लो टू मीडियम ही रहेगा। मसाले प्याज हमारा थोड़ा सा भुन गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसे भी अच्छी तरह से भुनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से भुन गया है, किनारों से तेल छूट गया है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी को ऐड करेंगे और इसमें कच्चापन निकलने तक इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो टमाटर हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम सारे सूखे मसाले को ऐड कर देंगे। मसालों को 2 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के साथ ही हम यहाँ इसमें अमूल फ्रेश क्रीम को भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून गई हैं, सरफेस पे तेल आ गया है। अब यहाँ इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो पनीर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब यहाँ इसमें हम दूध को ऐड करेंगे। हम शाही पनीर बना रहे हैं यहाँ, इसलिए सभी शाही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। दूध को डालने के साथ ही तेज़ आंच पर यहाँ 1 उबाल आने तक लगातार चलाते हुए मिक्स करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूध फटने लगेगा, इसलिए तेज़ आंच पर ही इसे लगातार चलाते हुए 1 उबाल आने तक पकाना है। तो मसाले में हमारा उबाल आने लगा है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, सभी मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और रिच टेस्ट वाला शाही पनीर। आप मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।